नमस्ते, मैं देवेंद्र ईवीपीएल एग्जिम से। पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने एक्सपांशन टैंक का टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर क्यों जा सकता है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम एक्सपांशन टैंक का दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, वो है एक्सपांशन टैंक ओवरफ्लो होना। एक्सपांशन टैंक ओवरफ्लो क्यों होती है? ऑयल एक्सपांड होता है और एक्सपांड होने वाला ऑयल एक्सपांशन टैंक में जाकर बैठता है। कभी कभी ऐसे होता है, हम हमारा प्लांट एक्सपांड करते जाते हैं, प्लांट बढ़ता है, ऑयल की कैपेसिटी बढ़ती है, हीटर वही रहता है, साथ में एक्सपांशन टैंक भी वही रहती है। अब यहाँ पे एक्सपांशन होने के बाद एक्सपांडेड ऑयल ज्यादा तैयार होता है और वो एकोमोडेट करने की एक्सपांशन टैंक की कैपेसिटी नहीं रहती है, यानी एक्सपांशन टैंक छोटा पड़ना शुरू हो जाता है, नेचुरली ओवरफ्लो हो जाता है। कभी कभी ऑयल में पानी जाता है, आपके पास वाटर कूल्ड पंप हो तो पंप की केसिंग में छोटी सी गैप आ जाती है और ये गैप नॉर्मल ठंडे में दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। जब पंप गर्म होता है तब ये गैप बढ़ती है और वहां से पानी अंदर आना चालू हो जाता है। ये पानी की स्टीम होती है, तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और याद रखिए, 250 डिग्री में स्टीम का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, उतना उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। इस प्रेशराइज्ड वॉल्यूम की वजह से ये स्टीम पूरे ऑयल को पुश करती है और ऊपर से ऑयल ओवरफ्लो हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग ठंडे में ऑयल नीचे से चार्ज करते हैं और ये आदत हो जाने के कारण गर्म में भी ऑयल नीचे से ही पंप के यहां से ही चार्ज किया जाता है। अब ठंडा ऑयल 35 डिग्री वाला अंदर के टेम्परेचर में जब कन्वर्ट होता है तब उसमें से सडनली लो बॉयलर्स फ्लैश आउट हो जाते हैं और वो लो बॉयलर्स की वेलोसिटी और वॉल्यूम बढ़ जाता है और ओवरफ्लो होता है। ठंडे ऑयल में पानी भी रहता है और ये पानी अगर हम लोग नीचे से हम ऑयल चार्ज करते हैं तो ये पानी की भी स्टीम होती है और उसकी वजह से भी ओवरफ्लो हो सकता है। इसी के कारण कभी भी ऑयल को चार्ज करना है तो एक्सपांशन टैंक से चार्ज करना चाहिए और अगर पूरी सिस्टम खाली हो और ऑयल को चार्ज करना है तो नीचे से पंप से ही चार्ज करना चाहिए ताकि जो भी एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। यही प्रॉब्लम सॉलिड फायर बॉयलर में किस तरह से और किस वजह से होता है ये देखेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। देखते रहिए पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल। नमस्ते, दिस इज एक्जिमियस।